हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंकर दीप्ति एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक विद अ टैलेंटेड द वर्सटाइल एक्टर एंड एस्ट्रोलॉजर विच नेम इज सुदीप कौचर. सो आज अपन गप्पा मारणार आहोत अशा एका व्यक्तीबरोबर ज्याला प्रचंड ज्ञान आहे, प्रचंड त्याने अभ्यास केलेला आहे आणि असं म्हणायला हरकत नाही की प्रत्येक वेळेस आपण आपल्या प्रॉब्लेम्समध्ये अडकलेले असतो. कधी कधी आपल्याला कळत नाही की कुठे जायचं आहे, आपल्याला रस्ता सापडत नाही आपल्या प्रॉब्लेममधून बाहेर पडण्याचा. सो असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडलेले असतात, पण आता काळजी नाही करायचे, आता या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला मिळणार आहे. सो मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करणार आहे की आत्ता आपण सुदीप सरांबरोबर या ठिकाणी गप्पा मारणार आहोत. सो तुमचे काही प्रश्न असतील तर डेफिनेटली प्लीज इथे कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचे आहेत. सो वी आर हॅव्हिंग अ मोस्ट टॅलेंटेड पर्सन हिअर, वर्ल्ड फेमस ॲस्ट्रॉलॉजर मिस्टर सुदीप कौचर. सो ही इज हिअर अँड जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट हिम. Okay. So, ladies and gentlemen, today we are going to talk. Hi. How are you, sir? Yeah, hello. Yeah, how are you? I'm Sandeep Kochar, not Sudeep. Yeah, sorry. So, social media pe abhi just maine ek aapka live session dekha hai. So, यहाँ पे बहुत सारे questions आपको आने ही वाले हैं. जैसे कि live session में आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई है. तो सबसे पहले सुदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे शो में जिसका नाम है हम तुम एंड क्वारंटीन. सो मैं पूछना चाहूंगी सुदीप जी आपको कि आपका क्वारंटीन आपने संदीप जी सो आपका क्वारंटीन आपने कैसे आज तक कैसे स्पेंड किया है और कितनी पॉजिटिवली ये क्वारंटीन को आपने स्पेंड किया है. देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो गई, हर कोई हर एक से कनेक्ट हो सकता है. मैं अपना इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था ऑलमोस्ट एवरी डे अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ. मैं अपने वेबिनार कर रहा था जिसमें 300 लोग तकरीबन जुड़ जाते हैं हर बार. तो वो इतने लोग अगर आपके साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो आपको लगता नहीं कि आप अकेले हैं, फिर फैमिली साथ में. तो जो आप बाहर निकल के लोगों से मिलते थे, अब ये जरूर है कि वीडियो ऑन वीडियो बात होती है, बट आई थिंक इट इज ऑल हाउ यू टेक इट. अगर आप ये सोचें कि मैं हम एक जगह फंसे हुए हैं तो वो ये अच्छी बात नहीं है. यू शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग. आप घर में फंसे हुए हैं ना सोचिए, आप सोचिए कि आप घर में सुरक्षित हैं. तो ये एक सोच के बदलाव से आपका वही सिचुएशन बेटर हो जाता. क्या बात है संदीप जी. आपको मैं पूछना चाहूंगी कि आज तक लॉकडाउन की वजह से और ये क्वारंटीन की वजह से कुछ लोगों पे बहुत डिप्रेशन आया है, स्ट्रेसफुल है लोग, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि इसके बाद हम क्या करें, कैसे हमारे इवेंट हो या कुछ कंपनी हो या कुछ इम्प्लॉइज है जो सोच रहे हैं कि हम अपना काम कैसे शुरुआत करें उस काम को. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन पर. देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं हुआ तो उसका नुकसान सबको हुआ. हर इंसान अलग अलग तरह से फंस गया. और जैसे किसी का फैक्ट्री है वो रेंटल है तो उसके रेंटल जा रहे हैं या सैलरीज जा रही हैं या उसके वर्कर्स चले गए तो अब दोबारा वो स्टार्ट जब होगा तो वर्कर ही नहीं होंगे. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ले ऑफ कर दिया गया, जॉब चली गई तो वो अब अगली जॉब ढूंढेगा. रिसेशन ऑलरेडी चल रहा है अभी ग्लोबल लेवल पे और वो अगले साल भी ऐसे ही चलेगा. तो ऐसे में मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि ये वक्त को गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जरूरी नहीं कि आपका जो पैकेज था आप उसी पैकेज पे अटक जाए. थोड़ा फ्लेक्सीबिलिटी के साथ जो भी आपको मिल रहा है, जब आपको पता है कि अभी वक्त ठीक नहीं है तो आप एडजस्ट करके अपने मिनिमल उसको एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपने अगर ये वक्त को गुजार लेंगे. इतनी लंबी जिंदगी है, उस एक इतनी लंबी जिंदगी में अगर एक साल या डेढ़ साल थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया. कि इंस्टेड ऑफ आप परेशान होके कोई रॉन्ग डिसीजन लें कि बैंक से लोन लें और उसको फिर नुकसान करें वो करें या शेयर मार्केट में जाके अननेसेसरी रिस्क ले लें, उस वो मैं मना करूंगा अदरवाइज. और अगर इंसान पॉजिटिव रहता है, ये बहुत जरूरी है, स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा पूरा यकीन है कि जैसा इंसान सोचता है वैसे उसकी जिंदगी डिफाइन होती है. तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए और चलते रहिए, रास्ता कोई ना कोई खुलेगा जरूर. क्या बात है संदीप जी. वी हैव लॉट्स ऑफ व्यूअर्स हियर जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं. सो उनमें से मैं क्वेश्चंस आपको बताना
चाहूंगी तो यहाँ पे गोस्वामी जी हैं जिन्होंने आपको बर्थ डेट बताई है और टाइमिंग बताया, और पूछना चाहते हैं कि आई हैव एंग्जायटी डिप्रेशन, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, कि उनको कुछ डिप्रेशन है तो वो पूछ रहे हैं आपको कि आप प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करें कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताया क्या? राजेश नाम है उनका, 7/12/1985 टाइम 8:30 AM 8:30 AM प्लेस ऑफ बर्थ कल्याण महाराष्ट्र। 7 December 1985 को सैटरडे था, 8:30 इन द मॉर्निंग महाराष्ट्र कन्याल में पैदा हुए। देखिए ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इनका बाहर से इंडिया के बाहर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और इन्होंने कभी सोचा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये अगर ये सुन रहे हैं तो इनको जरूर बोलिए कि क्या ये बाहर जाना चाहते हैं। क्या नाम बताया था आपने? राजेश। राजेश, तो राजेश का बाहर जाने में मुझे लगता है कि बहुत मन है, और दूसरा इनका मन हमेशा करता है कि खुद का काम करना चाहिए, ऐसा इनका बचपन से है कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए, और बहुत ज्यादा जो लाइफ को एंजॉय करने की इनकी कोशिश रहती है लाइफ में, हमको इनको हमेशा बेस्ट चाहिए, और इनका जो सोच है वो बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी प्लान कर लेते हैं, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि अभी जब माहौल ठीक नहीं है तो चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, उसी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड है। 2.5 years से काफी रुकावट भी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वक्त तो बदल गया है, तो माहौल सुधरते सुधरते मुझे लगता है कि इनकी बहुत सारी चीजें इनके हिसाब से होने लगी। वैसे हेल्पफुल है, काइंड हार्टेड है, सबकी मदद करते हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे, ऐसा इनका सोच बना हुआ है, विच इज ए गुड थिंग टू हैव। तो राजेश अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरूर मेंशन करिए कि क्या आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, और बाहर जाने का भी आपके मन में हमेशा विचार रहता है तो आप जरूर बताइए, बिकॉज तब ये पता चल जाएगा कि आपकी हॉरोस्कोप करेक्ट है। और अगर आपको स्टोन में इंटरेस्ट है तो एक आप रूबी और एक येलो सफायर पहन सकते हैं, जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। एग्जैक्टली, यस, थैंक यू सो मच सर। तो संदीप सर, आपके बहुत से सेशंस हुए हैं जिसमें बहुत से एंकर्स ने या होस्ट ने आपको बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं आपके काम के बारे में, तो स्पेशली इस सेशन में मैं आपके काम के बारे में तो जानना चाहूंगी, पर मैं जानना चाहूंगी कि आप बचपन में जब आपके घर में कैसा माहौल था, आप जब बचपन में खेलते थे या स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे तो आपको ऐसा लगता था कि मैं आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनूंगा या मैं ज्योतिषी बनूंगा, ऐसा कुछ लगता था आपको? नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो हमारे खानदान में कोई भी नहीं है। आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट। एंड तो सब कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर थे, कोई बिजनेसमैन थे, बट डॉक्टर कोई नहीं था। एंड बाकी ये जरूर है कि डेस्टिनी जो है वो सबसे बड़ी बात है, यू नो, जो मैंने सोचा नहीं वही हुआ, लेकिन मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। आई ऑलवेज थैंक गॉड कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, दैट वॉज माई ओनली ड्रीम इन लाइफ। तो अगर मैं सोचता हूँ, हम राहुल द्रविड़ और हम लोग एक ही क्लब में थे बैंगलोर में भी, तो मैंने अंडर 19 यूपी स्टेट भी खेला है, लेकिन तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता तो अब तक रिटायर हो गया होता। अब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ और 20 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं, एंड वॉट एवर यू नो सक्सेस आई हैव गॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये वो प्रोफेशन है जिसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं, तो जितना आपकी जब तक आप जिंदा हैं, एक्टिव हैं मेंटली फिजिकली, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही एक डिवाइन प्रोफेशन, मैं तो ये कहूंगा, जो आपको किसी भी इंसान की हेल्प करने में मदद करता है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उसके वक्त के बारे में बता सकते हैं, उसकी उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं। तो इंसान जो टोटली गिव अप कर चुका है, उसको लगता है शायद अब उसको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, या वो इंसान का इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा, तो जब आप उसे बताने वाले हैं कि अब सब ठीक होने वाला है 3 महीने के बाद या इस साल के बाद, तो वो इंसान को एक होप आ जाएगी, वो अपने वक्त को उस हिसाब से प्लान कर लेगा। तो दैट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कोई अगर आप बोले कि ये कर लीजिए और उससे ये बदल जाएगा और ये कलर के पेन से ये लिख लीजिए उससे वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, वो सब टोटके इंडिया के बाहर कोई फॉलो नहीं करता। खाली हम लोग इंडियंस हैं जो ये टोटकों में फंसे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और होता उससे कुछ भी नहीं। एक ही चीज बदल सकती है आपकी जिंदगी को, आपकी सोच, और आपकी सोच बदलती है आपके कनेक्ट से। जो इंसान जितना स्पिरिचुअल है, जो भी आपका धर्म है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप एक शिद्दत के साथ आप जुड़िए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पुरानी बातों को डिलीट कर दीजिए और एक हैप्पी जोन में रहिए। घर का माहौल भी, जैसे आपने मुझे बोला बचपन में, हम लोग बहुत बचपन से एक हैप्पी जोन में रहते थे। अगर साइकिल भी चला रहे हैं तो साइकिल में खुश रहते थे, बाइक चला रहे हैं बाइक में खुश रहते थे, फिर कार ले ली तो कार में खुश हो गए। लेकिन अगर आप कंपेयर करते रहोगे हमेशा कि अभी मेरी कार मुझे छोटी लग रही है, तो ये याद नहीं रखोगे कि साइकिल में भी जाते थे भाई साहब आप,
तो फिर देन इट विल नेवर एंड, यू नो, अगर आप आगे exactly. देख रहे हो तो वो आपको परेशान करेगा, पीछे देखोगे कहां से चले और कहां पहुंचे, तो यू विल ऑलवेज थैंक गॉड. तो इसीलिए कहते हैं कि यू नो काउंट योर ब्लेसिंग्स. हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, अमेरिका में नंबर वन फेस्टिवल है, इंडिया में हम लोग अगर मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान तो मेरी नहीं सुन रहा है और अब कब मुझे ये मिलेगा जो मैं सोच रहा हूँ. तो यू आर ऑलवेज वॉन्ट के हिसाब से, डिजायर से आप जाते हो, धन्यवाद करने नहीं जाते, तो ये अच्छी बात नहीं. तो मैं हमेशा मुझे एक लाइन में मैं यही कहता हूँ, कंटेंट विद लिटिल येट लुकिंग फॉर मोर, मतलब थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, ये बैलेंस अगर इंसान बना ले तो देन एवरीथिंग इज सेट. एग्जैक्टली. तो संदीप जी मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमें आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर जब भी हम संदीप जी का नाम कहीं भी सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उनमें से ही मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपके जो आपकी पूरी जर्नी है सो उसमें आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, तो आपका फेवरेट अवार्ड जब आपने रिसीव किया तो वो मोमेंट कैसा था, और आप कुछ बता सकते हैं आपका फेवरेट अवार्ड कौन सा है? देखिए वैसे तो हर अवार्ड अपने अपने आप में एक बहुत ही मुझे लगता है कि मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि आप किसी भी जब स्कूल में आपको कोई छोटा सा कोई मोमेंटो मिलता है, आपने पहली बार स्टेज में आप गए तो वो एक यादगार जिंदगी भर का रहता है. आप मैन ऑफ द मैच बने, मैच आपने जिता दिया यू नो अपने दम से, वो एक यादगार अवार्ड है आपके लिए. एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने प्रेडिक्शन की है और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से या अलग अलग कंट्रीज में आपको कोई अवार्ड मिलता है, वो अपने आप में एक मोटिवेटिंग है. तो मुझे लगता है हर किसी अवार्ड को कंपेयर नहीं करना चाहिए. वो मैं छोटा सा मोमेंटो जो मुझे स्कूल के स्टेज पे पहली बार मिला था वो हमेशा मुझे याद रहेगा, बिकॉज यू नो दैट पहली बार मैं कुछ घर लेकर आया कि देखो मुझे आज ये प्राइज मिला है. तो आई थिंक इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन कि कितना बड़ा स्टेज है और कितना बड़ा शहर है. मैं इतने कंट्रीज में ट्रेवल कर रहा हूँ, 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो फॉर मी इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई थैंक गॉड कि जहाँ पे भी जो भी अवार्ड या कहीं का सम्मान किसी भी तरह का मिलता है वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलता है एंड आई टेक इट इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर. एक मैं जरूर कहूंगा कि मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, वो बहुत लोगों ने मुझे उसके लिए बोला था कि आपने गलत कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का जब इलेक्शन चल रहा था तो इंडिया में सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने यही कहा था कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी क्योंकि वो पॉपुलर कैंडिडेट थी. लेकिन जब मैंने दोनों का हॉरोस्कोप देखा सर्च करके तो उसमें मुझे समझ में आ गया कि हिलरी का बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, और अगर कोई इंसान प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बनेगा तो उसकी कुंडली ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो जब आई सॉ हिज हॉरोस्कोप तो मुझे उसमें 1% भी डाउट नहीं हुआ और मैंने उसको अपने सारे सोशल मीडिया में लिख दिया और सारे लोगों ने बोला कि आपका पैकअप हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत गलत भविष्यवाणी कर दी. लेकिन वो करेक्ट हुई और उसके बाद आई गॉट ए वेरी गुड अवार्ड ऑल्सो. मुझे एक थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अवार्ड दिया था, इट वॉज नॉस्ट्राडामस ऑफ इंडिया अवार्ड. तो वो एक अगर टाइटल के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बड़ा अवार्ड था, बट मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही तरह से लोगों को गाइड करता रहूं, उनको एक पाथ दिखाता रहूं इन द ऑनेस्ट मैनर, एंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. क्या बात है. तो संदीप जी यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, तो एज आई सेड कि आपने बहुत से सेशंस में सबके आंसर दिए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं. सो यहाँ पे मैं कुछ यूनिक क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि हम ये करियर चूज करें या ना करें या क्या करें भविष्य में जाके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हम सारी यू नो यंग जो जनरेशन है उनके लिए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे हम अपना करियर चूज कर सकते हैं या कैसे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं या पॉजिटिवली हम अपना करियर ले सकते हैं, आपको क्या लगता है? जी देखिए दीप्ति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. अभी कई बार होता है कि स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो कंपैरिजन में चले जाते हैं. तो उनको लगता है कि अभी अभी ये प्रोफेशन है, यू नो अभी वो भी कैटरीना बन गई और वो प्रियंका बन गई, वो दीपिका बन गई, तो मैं क्यों नहीं बन सकती. तो अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप अपने करियर को चूज करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपके लिए एक नेगेटिव होगा. दूसरा मैं एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ विच इज बिगर देन दैट, ये है कि जो भी आपको नेचुरली आपके साथ जुड़ता है वो आपका करियर बन ही जाता है. यू कांट चूज कि आप कहाँ पैदा होने वाले हैं. जैसे आप एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे सब लोग डॉक्टर्स हैं, तो चाहते ना चाहते आपका रुझान आपकी सोच, वैसे तो कहते हैं इट इज ऑल इन द जीन्स, वैसे ही आपके प्लेनेट भी स्ट्रॉन्ग जुपिटर होगा, लर्निंग का एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और आप अगर इंडिया के बाहर भी पढ़ना चाहते हैं उसका भी आपका पैकेज रेडी हो जाएगा, आपके फादर करेंगे क्योंकि यू आर बॉर्न इन ए गुड फैमिली. तो इंसान नेचुरली एक डॉक्टर बन जाएगा बिना ज्यादा एफर्ट किए. लेकिन वो इंसान जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां पे एक बहुत ही आम सी जिंदगी चल रही है, और हिंदुस्तान जो है मेजोरिटी की जो जनता है वो आम जनता है,
और वो आम जनता जो है वो परिवार से उतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती, बिकॉज परिवार, पिताजी ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने एक साइकिल के बाद एक स्कूटर लिया, स्कूटर के बाद बाइक ली, फिर मेरा सपना मेरी मारुति तक पहुंचे किसी तरह, तो वो उसी में जर्नी उनकी खत्म हो गई या रिटायर हो गए। तो ऐसे में वो लोग नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, वो जो मैं आप यूथ की हम बात कर रही हूँ और मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और वो प्रैक्टिकल है, दोनों इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अगर आप सोचो कि नहीं अभी तो शाहरुख खान रिटायर होने वाला है और अब मुझे शाहरुख खान बनना चाहिए और आपने कभी एक्टिंग नहीं की, कभी आप मुंबई नहीं जा सकते, आप कहीं किसी सिटी में, तो मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा, यू नो, बिकॉज पर्सन प्लेज ऑन एनवायरमेंट, देश और काल और पात्र के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो वो आपको जरा समझना चाहिए कि आर यू वेस्टिंग योर टाइम और वहां पे स्ट्रगल करना चाहते हो, या बेटर है कि आप हमने एमबीए को पूरा करिए, एक अच्छी जॉब लीजिए और हो सकता है वो जॉब आपके लेवल को बढ़ाती रहे अगर आपकी कुंडली में वो दशाएं हैं एक के बाद एक, और तो आप अपने जो आपके फादर ने पूरी जिंदगी लगा दी, हो सकता है कि आप 10 साल में उससे आगे आगे निकल जाएं और अपने आने वाले 2 जनरेशन के लिए भला कर जाएं। तो वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको कई सालों पीछे भेज देता है, तो ये बहुत तालमेल बिठाने की जरूरत है। आपके आपका सपना और आपकी हकीकत दोनों में जो फर्क है, ख्वाब और हकीकत, उसी की लड़ाई है जिंदगी। तो वो अगर आप समझ गए, कई लोगों का जो ख्वाब और जो उसका हकीकत है वो मिलती है तो दे बिकम सक्सेसफुल, और जो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वहां पे उनको फिर एक दिन यू टर्न लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे सब लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ आपको भेजा है और वो पूछ रहे हैं कि हम आगे जाके हमारे करियर में क्या करें, पर सर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बहुत से सेशंस में जैसे मैंने बोला कि सब कुछ होता ही रहता है, लाइक आप बताते हैं भविष्यवाणी बताते हैं, आप सब कुछ बता देते हैं, पर मुझे पूछना है आपको ये बात कि आपने मूवीज में भी काम किया है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दैट, लाइक मैंने जैसे सर्च किया तो मुझे एक आपका मूवी मिला जिसमें है भविष्याची ऐशी तैशी, सो आई गॉट पिक्चर्स ऑल्सो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जी आपने काफी रिसर्च कर लिया। पहले मैंने 2011 में एक हिंदी मूवी की थी, उसका नाम था कसम से, तो उसमें एक कैरेक्टर रोल था, तो मूवी ज्यादा चली नहीं, एंड उसके फिर तकरीबन आई थिंक 4 साल पहले की बात है ये मूवी रिलीज हुई थी, मराठी की मूवी है भविष्याची ऐशी तैशी, जो आपने बताया ये फर्स्ट एवर एस्ट्रोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यानी एक भविष्यवाणी पे पूरी ये मूवी है, और मराठी या हिंदी में कोई भी ऐसी फिल्म पहले नहीं बनी जो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड हो कम्प्लीटली। एंड उसमें जी तो उसमें मैं डॉक्टर करमाकर, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर ही बना था, और मेन उसमें कैरेक्टर था, और बाद में 3 उसमें मेन कैरेक्टर थे, मानसी नायक, रुचिता यादव, वर्षाली के नाम से थी, और हमारी वर्षा उसगांवकर जी, हाँ जी, जो काफी सीनियर एक्टर हैं वो थी, और रमेश तलवारे जी नासिक के प्रोड्यूसर थे, उनकी वाइफ हैं मिसेस तलवारे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वाइज इंसान, वो स्टोरी लिखी, तो एक उनका भी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट था, एंड उन्होंने काफी इंटरव्यू लिए, उनको एक रियल एस्ट्रोलॉजर की तलाश थी, मतलब लीड रोल जिस एस्ट्रोलॉजर बेस्ड है, तो रियल एस्ट्रोलॉजर वो ढूंढ रही थी, और जब मेरा नंबर आया तो फॉर्चुनेटली आई गॉट इट, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर का रोल निभा रहे हैं, उसके सीन मेरे पास हैं वीडियोस, तो कभी मैं जरूर उसको कभी डालूंगा, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जो हूँ रियल लाइफ में वही आप, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं, हाँ मराठी के लिए जरूर मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मराठी मुझे नहीं आती थी, आई एम फ्रॉम यूपी और उसके बाद दिल्ली और फिर बैंगलोर और उसके बाद मुंबई, तो बट मैंने डायलॉग याद करके जो कोशिश करी उसको ठीक से निभाने की। ओके, सो नाउ यू कैन स्पीक मराठी और नॉट? नहीं, मैंने कोशिश, तब मैं जरूर सीख रहा था कि क्या हमें मराठी सीख, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखना शुरू किया, एक मेरा डायलॉग था कि भविष्य कदी ही आपो आप बदलत नहीं, ती बदलावी लागते जशी वाल्मीकि ने बदली होती, जशी वाल्मीकि ने बदली होती। और फिर जब स्टेज में हम लोग प्रमोशन के लिए गए थे तो तब मुझे अपनी स्पीच याद करनी पड़ी, यू नो, मी तुम्हारो समोर साठी मूवी, यू नो क्या मैं भूल गया, प्रमोशन साठी आलो है मूवी, खूब छान है, लक्षात थेवा, तो वो सब मैं सीख गया था। अपनी स्पीच मैंने बहुत बढ़िया से स्टेज पे दी थी कई जगह जहां भी हमारे प्रमोशन थे, तो आई नो आप हंस रहे होंगे क्योंकि मेरा प्रोनंसिएशन उतना ग्रेट नहीं है मराठी का, बट काम चला लिया। जी तो लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो हाउ यू गाइस, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस राइट नाउ। या सर कैन यू हियर मी?
मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही। हेलो, आ हाँ रही जी आ रही। हाँ जी हाँ हाँ सर, आप प्रमोशन के बारे में बता रहे थे, आपने स्पीच प्रिपेयर की थी, और फिर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपके बहुत से टीवी शोज भी यू नो फॉर्म में थे, बहुत से पीपल आपको फॉलो करते हैं अभी भी, सो आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको कुछ ऐसा यू नो समथिंग अबाउट ट्रोलिंग अगर कुछ सोशल मीडिया पे होता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे मेरे जो टीवी सीरियल के बारे में पूछ रही हैं। हाँ, टीवी सीरियल्स के बारे में भी पूछ रही हूँ, और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं सर तो जो मानते नहीं है, जो बोलते कि नहीं हमें उस पे विश्वास नहीं है, हम अपना अच्छा, ओके करेंगे, हाँ जी। हाँ तो देखिए, हाँ बहुत, इट काइंड ऑफ ट्रोल्स, सो हाँ आप उसके देखिए बारे में दीप्ति, क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए अभी क्या है, स्पेशली यंग जनरेशन है, वो लोग क्या कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग। यस स्टीव जॉब ने कहा था, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। हंग्री मतलब डिजायर टू डू मोर एंड मोर, नो मोर एंड मोर, एंड फुलिश मीन्स डोंट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग। तो अगर आप सोचे कि मैं बहुत काबिल हूं और मुझे सब आता है, तो उस दिन से आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। दो कान हमको इसलिए मिले हैं टू लर्न, लिसन मोर। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो 5,000 या 10,000 साल हो गए एक्चुअली उसको, 5,000 तो खाली महाभारत हुए, इतनी पुरानी साइंस है, वेदों का पार्ट है। और अभी मैं मैकबुक में स्कूली देख रहा हूँ, तो वहां से लेके मैक तक अगर ये चल रही है, और 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, एंड इंडिया और इंडिया के बाहर, और मिलियनर हो, बिलियनर हो, सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, इतने सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ये सब्सटेंस है, आप माने या ना माने, वो आपकी सोच है या आपकी प्रॉब्लम है, या आप इसको इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ये ऐसी प्योर ब्यूटिफुल साइंस है जो आपकी जिंदगी में आपको डायरेक्शन दिखा सकती है। मतलब आपका वक्त, आपको पता ही नहीं कल क्या होगा, कोई भी कंप्यूटर भी इमेजिन नहीं कर सकता कि आपका कल क्या होने वाला है, कोई नहीं बता सकता, खाली एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। और उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, क्या वक्त आपका चल रहा है। तो अगर ये बात आपको पता चल जाती है और आपको लग रहा है कि मुझे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए, आपको पता ही नहीं आपका जिंदगी का सबसे खराब टाइम है, तो जॉब भी गई और जो लोन लेके आपने पैसा लगाया बिजनेस में, वो पैसे भी गए और आप कहीं के नहीं रहे। तो वेन यू नो योर टाइम एंड यू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू इट, देन यू विल बी सिक्योर। तो सही वक्त पे सही डिसीजन लेने को ही लक कहते हैं। और खुद को जानना, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इंसान खुद को नहीं जान पाता 50 साल 60 साल तक, उसे लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। आपको लगता है मुझे गुस्सा आता, कहाँ मुझे गुस्सा आता, और गुस्से में बोल रहा है वो, या मैं कहाँ जिद्दी हूँ, आप कमाल कर रही हैं, आप तो मतलब मैं तो जिद्दी हुई नहीं, तो वो जिद्दी है, वो एग्री नहीं कर रहा क्योंकि उसे रियलाइज ही नहीं किया। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो है, जो एक स्ट्रेंजर है, अगर आपको बारे में वो बता रहा है, तो इट इज समथिंग विच कैन चेंज योर माइंड। वो आपकी पूरी सोच को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। यू नो, इट इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यस, जी सो संदीप जी, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं उनको भी निराश नहीं करना चाहूंगी। यहाँ पे एक शिवम है, शिवम प्लीज कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, तो शिवम प्लीज कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन। सो यहाँ पे और एक लेडी थी जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसका उसका भी क्वेश्चन आपके पास पहुंचाना चाहूंगी सर, जस्ट अ तब मिनट। तक आप ढूंढिए, ये मैं पढ़ लेता हूँ। अभी अभी 414 लिख रहे हैं कि कौन सी राशि के अच्छे दिन चल रहे हैं। देखिए, राशि इसमें क्या करेगी, अभी साहब अभी मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और आप पूछें कौन सी बारिश वाला राशि वाला भीगेगा और कौन सी राशि वाला नहीं भीगेगा, दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि अभी सबको पता है कि पैंडेमिक है, अगर आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद का यू नो आप ओवरबोर्ड चले जाएंगे, तो फिर हर इंसान फंस जाएगा। तो इस समय आपको सुरक्षित रहना चाहिए, अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप, ये राशि कौन सी है, ये मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी 21 जून को ग्रहण आने वाला है, तो मिथुन राशि के ऊपर, तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपना पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, उसको जिंदगी से जोड़िए, तो दैट विल सपोर्ट यू। और जो इंसान स्पिरिचुअल है, ऊपर वाले पे यकीन रखता है, तो वो कभी वैसे भी नहीं फंसता है किसी भी तरह से। यहाँ पे पूनम राणा है जो पूछ रही है, मेरा बर्थडेट है 30/11, जस्ट मिनट, 1979, एंड बर्थ ऑफ टाइम है 1. जस्ट अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सफरिंग हो रहा है, बहुत सफरिंग हो रही है, जस्ट उसको रोकना पड़ेगा, मैं पढ़ लेता मिनट। हूँ, मैंने रोक लिया उसको। 30 नवंबर 79 मैंने देख लिया, आपने देख और लिया है ये 1:20 AM, या 120 और ये एम रोहतक हरियाणा। रोहत, विच प्रोफेशन शुड आई चूज, शी इज आस्किंग यू। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक इसे ये पूछी ये क्या करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ कर सकती हैं।
ये पहली बात तो है कि ये बहुत ही दबंग किस्म के इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग एंड 10 काम अकेले हैंडल करने की इनकी कैपेबिलिटी है। और ये ऑर्डर लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ गई आप? क्या नाम था इनका? पूनम। यस पूनम। तो पूनम जी, अगर आप देख रही हैं तो बताइए, तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही स्ट्रांग किस्म की आपका नेचर है और आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है और आप जल्दी से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती? तो अब दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यू नो ये किसी को भी कन्विंस करने की इनकी काबिलियत है, ये अच्छी कंसल्टेंट बन सकती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को गाइड करना चाहिए। अगर इनको कोई रेगी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो ये सब सीखने का शौक है तो ये सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा शौक है इनके अंदर, तो ये अच्छी गाइड भी बन सकती हैं और इनको नॉलेज बहुत अच्छा है। यू नो ये मैं जरूर, पढ़ाई कितनी करी मुझे पता नहीं लेकिन नॉलेज इनका बहुत अच्छा है। तो कहाँ पूनम जी, अगर आप हैं तो आप अपने बारे में बताइए, बाकी कहीं कोई टेंशन नहीं है। और मुझे लगता है कि सितंबर से आपका बेहतर टाइम शुरू होने वाला है, सितंबर से। क्या बात है जी। सो एज आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत से आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स आपको पूछ रहे हैं, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कभी आपने यू नो अपने घर के कुछ मेंबर्स है या कुछ फैमिली मेंबर्स है आपके पास आए हैं और आपको पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ संदीप क्या होने वाला है हमारे लाइफ में, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं फैमिली में तो हॉरोस्कोप उनको भी बताया कि मैं उनको नहीं बताता। जब अच्छा। कभी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, कभी 2 साल में 3 साल में कोई ऐसा है, तो मैं कभी काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ कि देखिए आपकी कुंडली ऐसी है और तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। इट इज अबाउट चेंजिंग देयर माइंड। लेकिन ये बताऊँ कि ये आने वाला वीक कैसा होगा और अगला महीना कैसा होगा, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो देखिए कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू द राइट थिंग, ये एक अच्छी बात है, ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन अगर आपको टाइम ही मिल गया तो फिर आपकी आपकी जिंदगी जो है वो आपकी बदलने में उसकी मदद आपको मिल जाती है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। बाकी यस, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कई कई बार कुछ बड़ा डिसीजन लेना होता है फैमिली में जो लोगों को समझ नहीं आता, तो अब घर घर का एस्ट्रोलॉजर है तो आप ऑब्वियसली उसका फायदा तो उठाया जाता है। वो तो है सर। सर मैं आपसे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे कि पहले के जमाने में जो ज्योतिष होते थे उनका मतलब अलग से रूप होता था, बड़ी बड़ी ऐसी मूछें या दाढ़ी या वो धोती पहनते थे, यू नो वो रुद्राक्ष की माला गले में ऐसे पहन के वो बताते थे। तो अभी आई लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर साइड कि आप बहुत मॉडर्न जी बिल्कुल। देखिए हर प्रोफेशन का एक परसेप्शन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर ऐसा लगना चाहिए, लॉयर को ऐसा लगना चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजर का भी वैसे ही परसेप्शन था। तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, पहले खाली संस्कृत में बुक्स होती थी, फिर अब वो इंग्लिश में आ गई, हिंदी में आ गई, तो बहुत सारे लोग सीखने का मौका मिल गया और बहुत सारे लोग सीखते भी हैं। और मैं भी बोल देता हूँ, जैसे मैंने अभी ये पूनम जी को बोला कि अगर आपको सीखने का इंटरेस्ट है आप जरूर सीखिए, तो मैं भी मोटिवेट करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको सीखनी चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव साइड सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को डराए नहीं, उनको निराश मतलब उनको डिस्करेज नहीं करें, उनको सही दिशा दिखाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जब मैंने टेलीविजन शुरू किया था 2005 में, पहली बार जिंदगी में कैमरे के सामने में आया था, तो सबने बोला कि यार ये एंकर है कि एस्ट्रोलॉजर है। यू नो 6 महीने निकल गए, लोग मुझे रोज टीवी में देखते थे, 9 साल मेरा वो शो चला है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग शो बन गया, अराउंड 3,000 एपिसोड उसमें हुए थे। तो उसमें बाद में 6 महीने बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये भाई ये एस्ट्रोलॉजर ही है, क्योंकि पहले एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं होते जो आपने बताया कि अटायर है कि भाई पंडित जी के भेष में ही इंसान आता था। लेकिन वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदली, तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान, आम सा दिखने वाला, यू नो मैं तो मेरा कोई ऐसा वो ट्रेडमार्क नहीं है, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस लोगों का हुआ और अब उसके बाद अब इतने साल हो गए, 15 साल हो चुके हैं और मेरी एस्ट्रोलॉजी को किए हुए 20 साल हो गए, तो 20 साल से मैंने देखा कि अब तो यूथ है वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। हर इंसान अभी तो स्पेशली जब लोग अभी कन्फाइन हो गए लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत सारे लोगों को सीखने की शुरुआत भी कर दी। मेरा वेबिनार होता है, 250-300 लोग उसमें आते हैं और उसमें ज्यादातर लोग मुझे वही होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन उनको मैं यही कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, इसको अगर आपने शॉर्टकट इजी मनी मेकिंग बिजनेस के रूप में सीखना चाहते हैं
तो फिर ये आपको साथ नहीं देगी ये साइंस आपको, फिर आप आपका जो लेवल है वो बदलेगा नहीं। आपको ये लगता है कि आया है इसकी कुंडली बताओ इससे पैसे ले लो या डरा लो, वो फिर नहीं होगा। अगर ये एक डिवाइन साइंस है, इसमें अगर आप कॉन्शियस क्लियर है, आपको लगता है कि मुझे मेरी भावना दूसरे की मदद करना है, ठीक है प्रोफेशन हो सकता है लेकिन सच्चाई के साथ, तो फिर आप उसमें सक्सेस आपको मिल सकता है, बाकी प्रोफेशन से अलग प्रोफेशन। यस, तो यहाँ पे मुग्धा जी है, मुग्धा जी आपसे बातचीत करना चाहती है। शी इज सेइंग कि आई एम होप आई एम लूजिंग माय सेल्फ होप बिकॉज ऑफ आई एम ट्राइंग टू एवरी सेशन बट डोंट टेक माय क्वेश्चन। सो मुग्धा जी आपका क्वेश्चन क्या है, आप प्लीज मुझे यहाँ पे लिख के दीजिए, मैं सर से पूछूंगी जरूर। और यहाँ पे शिवम, जैसे मैंने बोला था सर आपको शिवम है, पर वो क्वेश्चन उनका दिख नहीं रहा है मुझे, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे है। आप वहां से कुछ देख पा रहे हैं आपके हिसाब से कुछ ऐसा? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो मैं ले लेता हूँ। एक अनमोल खरे का एक क्वेश्चन मेरे सामने है, पूरी डिटेल उन्होंने दे रखी है, तो यस बिकॉज डेट ऑफ टाइम प्लेस बहुत जरूरी है। और अनमोल ने डिटेल दी है 1 अप्रैल 1991। यस, एंड 8:03 शाम को है, 2003। एंड ये पैदा हुए हैं रेवा मध्य प्रदेश में। ओके, और इनका सवाल भी इन्होंने लिखा हुआ है, इनको जानना है कि पिछले साल मैंने अपना फ्रेंड के साथ ट्रैवल कंपनी पार्टनर बना था, पर अभी कोरोना की वजह से ऑफिस बंद है, आगे का फ्यूचर कैसा है, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अभी लोगों ने जिन्होंने की कोई रेंटल एस्पेक्ट काम चल रहे हैं या सैलरी है, तो उनका बहुत नुकसान हुआ क्योंकि सबके काम बंद हो गए। देखिए, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ अनमोल, ये जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर चल रहा है सितंबर 2019 से और ये चलेगा 4 नवंबर तक, यानी अभी हम ऑलरेडी जून में आ गए हैं, तो 4 महीने आप और निकाल लीजिए भाई साहब। 4 महीने के बाद आपका ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, शनि में शुक्र की दशा शुरू होगी, विच विल बी ए बेटर दशा। प्रॉब्लम आपकी दो प्रॉब्लम है, उस पर आपको काम करना चाहिए। एक क्या है कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप एक इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है, तो आपको जरा जरा सी बात पे आप इमोशनल हो जाते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपको डाउट हो जाता है चीजों पर, तो कह तो रहा है पता नहीं करेगा कि नहीं, तो जब आप डाउट में चले जाते हैं तो आपकी एनर्जी और नेगेटिव हो जाती है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए। जो सबसे आसानी से ये काम कर सकते हैं वो है कंसल्टेंसी, ही कैन बी ए वेरी गुड कंसल्टेंट, क्योंकि इनका गुरु बहुत बढ़िया प्लैनेट है, वो इनको सपोर्ट करेगा आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए। और ये नवंबर 4 नवंबर से इनकी जो दशा बदल रही है, अगर ये सुन रहे हैं तो मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का सबसे खराब टाइम अगर कोरोना आया है दुनिया में तो आप ही की कुंडली के हिसाब से आया है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं भी आता तो ये आपका सिचुएशन ऐसे ही रहता, किसी और वजह से आपका ऑफिस बंद होता, किसी और वजह से आपको प्रॉब्लम आती। तो ये सोच लीजिए कि अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा था, तो एटलीस्ट कंपैरिजन में किसी का कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी एक तसल्ली की बात, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन आगे का वक्त इनका अच्छा है, 4 महीने की बात है। हाँ जी सर, मैं अभी मुड़ना चाहूंगी, मेरे कुछ आई हैव सम गेम्स फॉर यू, तो इनमें मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाने वाली हूँ, सो आपको पिक्चर्स देख के आपकी कुछ मेमोरी आपको हमारे साथ शेयर करनी है, अगर आपको कुछ याद आता है तो। ओके सर, ये मेरी तो मेरी पिक्चर्स हैं या आपकी पिक्चर्स? आई हैव कलेक्टेड। ओके, सो हियर आई हैव फर्स्ट पिक्चर इज दिस वन, सनी देओल के साथ। हाँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुनील ग्रोवर भाई, और इनको मैं तब मिला था जब इन्होंने टेलीविजन की जर्नी नहीं शुरू की थी, दिल्ली में मिले थे और एक रेडियो स्टेशन में मेरा भी शो था और ये भी अपना कोई शो करने आए थे। एंड इतना इतने खूबसूरत इंसान है, जितना ये हंसाते हैं उतने ही अंदर से खुश मिजाज है, ऐसा नहीं है कि डायलॉग रट के कुछ बोल रहे हैं, अंदर से एक हैप्पी इंसान है। एस्ट्रोलॉजिकली भी बोल रहा हूँ और प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ, और तब से हमारा जो रिश्ता बना वो मतलब वो अभी तक ऑन है। कभी भी मैं इनको कुछ कहता हूँ तो एक सेकंड में वो उसको कर देते हैं, कभी भी कहीं भी लाइव करना हो, कभी हमने फेसबुक लाइव कई बार से साथ में किया हुआ है, तो ये नहीं कि मतलब इनकी फॉलोइंग मिलियन में पहुंच गई और मैं उधर ही अभी हम लाख के अंदर बैठा हूँ, तो जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो ही सो ब्लेस्ड, यू नो, कि गॉड ने, भगवान ने इनको इतना कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी उस दोस्ती को कभी उस पर ये नहीं सोचा दैट वे। तो ही सच अमेजिंग पर्सन एंड आई ऑलवेज फील हैप्पी दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। देन सेकंड इमेज इज आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी शूटिंग बंद हो गई लेकिन अभी देखिएगा, अभी इनका वक्त बदल रहा है और बहुत कुछ बढ़िया धमाकेदार ये करने वाले। क्या बात है, अगर सुनील सर यहाँ पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ जी, सो सेकंड इमेज ये है, आपको बताऊं मेरी कोई
दोस्ती नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब सितारों का काम है तो कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शन है, कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं, तो उस तरह से हुआ। लेकिन इनपे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, ये जरूर है इनके ऊपर प्रेडिक्शन मैंने बहुत किए हैं रेडियो में। वैसे भी इनका पिछला 1.5 साल बहुत ही खराब चल रहा था, तो जितनी मूवीज इनकी रिलीज हुई पिछले 1.5 साल वो सब फ्लॉप हो गए। लेकिन लेकिन अब इनका टाइम बदल चुका है एंड थिंग्स विल चेंज। ये आपने फोटो किसकी दिखाई थी, क्योंकि सिग्नल ठीक नहीं थे, करण जौहर थे या ऋतिक रोशन थे? करण जौहर थे, करण जौहर। हाँ करण जौहर, तो करण जौहर की बात कर रहा था। इनका पिछला 1.5 साल बहुत ही खराब था, तो इसलिए इनका कोई भी मूवी नहीं चला। आने वाला जो वक्त है, अब जो चेंज हुआ है, तो ही विल डेफिनेटली डू गुड। तो जितने इनके प्रोजेक्ट आएंगे वो उसमें इनको सक्सेस मिलेगा। क्या बात है सर, दिस इज लास्ट वन जी। ट्विंकल खन्ना जी, बिल्कुल इनसे तो मेरा एक ही रिश्ता है कि इनके जो फादर थे राजेश खन्ना जी, वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे और वो लेजेंड रहे इंडस्ट्री के, यू नो, पहले सुपरस्टार। सो वो सबसे बड़ी बात है। मुझे उनके जितने गाने हैं और मूवीज हैं, मतलब वो मेरी फेवरेट रही हैं अभी तक। तो दैट वे, तो ही शी इज द डॉटर ऑफ द लेजेंड, यू नो, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। एंड ये खुद भी पॉपुलर हैं, इनकी मदर भी पॉपुलर हैं, इनके हस्बैंड खिलाड़ी नंबर वन है। तो आई थिंक शी इज ब्लेस्ड टू हैव ऑल द स्टार्स इन हर फैमिली दैट वे। तो एक INFD का ही फंक्शन था, उस दौरान ये आई थी, तो मैंने इनके बारे में बोला था, तो शी वॉज वेरी हैप्पी दैट वे। कुछ हंसी मजाक भी हुआ, काफी कुछ हुआ। एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू नो, जो ये लिखती हैं, इनके आप आर्टिकल्स पढ़िए, तो जितने आर्ट में लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, लेकिन एक इंटेलेक्ट के साथ क्रिएटिविटी करना, वो एक बहुत ही मिस फनी बोन के नाम से ये इनके आर्टिकल आते हैं, वो आप देखिए, इट इज सो ब्यूटीफुल, वेरी हिलेरियस। शी इज अ वंडरफुल पर्सन। यस सर। तो सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि ये सर, ये कोरोना का इम्पैक्ट सभी लोगों पे होने वाला है, जब भी करियर पे होने वाला है, जब भी काम से ऊपर होने वाला है, तो पॉलिटिशियल ब्रांच में आप क्या कहना चाहेंगे, इनका ये कोरोना का इम्पैक्ट उस पर कुछ होने वाला है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको आगे वाला? देखिए ये, हाँ ये सवाल आपने बहुत ही डिफिकल्ट किया है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अब वो आई तो प्राकृतिक आपदा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो बारिश की वजह से आई, तूफान की वजह से आई, या ये महामारी की वजह से आई, लेकिन उसका जो असर है वो नेताओं पे जरूर पड़ता है। जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें एक ब्लेम जरूर चला जाता है कि इन्होंने ठीक से इसको मैनेज नहीं किया, भले ही उन्होंने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक वो सेटिस्फेक्शन तो सबको नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट सेटिस्फाइड एवरीवन, तो वो एक नुकसान तो होता ही है, उसका असर होगा। आप यही मान सकते हैं कि अभी कोई ऐसा इलेक्शन नजदीक में नहीं है, अगर कोई अभी हाल ही में कोई कहीं हो रहे होते तो फिर वो पार्टी, रूलिंग पार्टी को नुकसान होता, लेकिन यही उम्मीद है कि जल्दी से चीजें ठीक हो और वो लोग अपने और मेहनत से और काम से लोगों को के दिल को दोबारा जीतें, और सबका इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन ठीक होता है, लोगों की जॉब लग जाती है, गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाती है, काम धंधे अच्छे चलने लगते हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल सपोर्ट देम। और अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुआ इकोनॉमिकली, तो फिर वो रूलिंग पार्टीज को नुकसान होगा। यस, तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए आया है वापस, वो पूछ रहा है आपसे, सर टेक माय क्वेश्चन पर उसका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, कब से मुझे बोल रहा है टेक माय क्वेश्चन। हाँ जी, सो यहाँ पे सर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने अभी लास्ट वाला सेशन आपका दलजीत जी के मैम के साथ हुआ, तो वहां पे आपने मुझे मतलब सबको ही बोला कि चेहरा, मतलब अगर वो गोल होता है या स्क्वायर होता है या कुछ फीचर्स जो चेहरे की होती है उससे भी पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें मैंने तो 1 घंटा उसी में बात कर रहा था, तो अभी वो उन्होंने अपलोड कर दिया है, मैं भी उसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आपके व्यूअर सारे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं। तो हर बॉडी फीचर का एक अलग सिग्निफिकेंस है, और कुंडली में वो रिफ्लेक्ट होता ही है। जैसा आपकी फेस के हर प्लैनेट, जैसे मंगल आईब्रो से पता चलता है, मरकरी पता चलता है, फोरहेड से पता चलता है, आईज से वीनस के बारे में पता चलता है, कान से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, तो वो हर चीज आपके कुंडली में दिख जाता है। तो मैं लोग आपके ये फैंस को यही बोलूंगा कि वो लोग इंस्टाग्राम में आइए और आप वहां पे वीडियो देखिए, एंड यू विल सी, यू नो, लर्न समथिंग अबाउट फेस रीडिंग। जी आपका वीडियो
हैंग हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद से। सिग्नल का कुछ मुझे हाँ यस जी हाँ राइट नेटवर्क इशू इसका पॉइंट था। तो यहाँ पे ज्योति जी है, ज्योति जी का क्वेश्चन हम ले लेंगे लास्ट वन। सो यहाँ पे ज्योति जी आपको पूछ रही है, माय हस्बैंड नेम इज दिनेश गुप्ता, डेट डेट समथिंग 9 September 1976, टाइम इज 10:04 AM सुबह के, सॉरी 10 10 बजे, 10:04 AM और प्लेस है पंजाब, फरीदकोट पंजाब। ओके जेम्स स्टोन के बारे में वो जानना चाहती है सर, प्लीज सजेस्ट जेम्स स्टोन। पंजाब में कहाँ? ये नहीं दिखा उन्होंने, ये अपने स्टोन के बारे में जानना चाहती हैं, स्टोन के बारे में। लेट मी चेक। हेलो जी, आपका आपकी आवाज ही नहीं आ रही जी। मैंने उनके बारे में बता दिया है, ज्योति जी के हस्बैंड के बारे में, पता नहीं आपको आवाज आई कि नहीं आई। नहीं मेरा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था शायद, इसलिए मैं नहीं सुन पाई, पर कोई बात नहीं, आपने बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। होप ज्योति जी आपको पता चल गया हो। जी ओके ओके तो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये लॉकडाउन है, क्वारंटीन सब हुए है, ये कोरोना का जो संकट है पूरे देश पर आया हुआ है, तो इसमें से इस संकट से, इस परेशानी से हम तो डेफिनेटली बाहर पड़ेंगे ही, तो आप क्या यू नो बताना चाहेंगे सारे हमारे फॉलोअर्स को, फैंस को, कि कितने पॉजिटिवली हमें ये जो कोरोना है वो लेना चाहिए और कितने प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं घर पे बैठ के हो या बाहर जाने के बाद, क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? देखिए मैं बोलूंगा कि ये ऐसी अभी वायरस है जिसका कोई भी इलाज नहीं, कोई भी वैक्सीन नहीं आई, तो थोड़ा सा आपको एहतियात रखना चाहिए। और ये मत सोचिए कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो हम लोग अब पार्टी करेंगे, लोग अपने दोस्तों से मिलेंगे, ऐसा मत करिए। वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनने पड़ेंगे, हाथ धोने पड़ेंगे, तो वो आप केयर करिए। क्योंकि अभी अगर आप थोड़े से एक्साइटेड हो गए कि भाई 2 महीने से 2.5 महीने से आप बोर हो चुके हैं और आपको बाहर निकलना है, मिलना है, ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा कभी भी ओपन हुआ है किसी पैंडेमिक में, तो उसका एक दोबारा एक सेकेंड साइकिल आई है जो उससे भी बड़ी थी। तो ये इंसान को थोड़ा सा संभल के मुझे लगता है कि चलना चाहिए। और अभी इसमें वक्त है, काफी वक्त है, अभी कई महीने और लगेंगे जिसमें आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई। और एस्ट्रोलॉजिकली सितंबर तक कम से कम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से लॉकडाउन का, जब से शुरू हुआ है 3 महीने से पहले से, मैं लोग कोई मई कह रहा था, कोई जून कह रहा था, मैंने सितंबर कहा था कि सितंबर तक आपको एहतियात बरतनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और हम लोग अपने आप को आई थिंक ठीक से मैनेज कर पाएंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, फॉर बीइंग विद अस हियर। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और आप हमसे बातचीत की, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आपने दिए हैं, वी आर सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड यू आर सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर प्लानिंग एंड यू नो ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एज वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
वेलकम. ओके.